हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज़। का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने भूजल अटल भूजल योजना के तहत पानी का उचित प्रबंधन करने की बात कही गई है। इस दौरान इस योजना के तहत बरसात के समय नहरी और बरसाती पानी ज्यादा होने की दशा में उसे ट्यूबवेल रिचार्जिंग का काम प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा ताकि पानी की बचत होकर भूमिगत जल स्तर को बेहतर किया जा सके। इस दौरान कृषि मंत्री ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसके तहत किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 वार्षिक उनके खाते में पहुंचाए गए। ड्रिप इरिगेशन के लिए 85% तक सब्सिडी दी गई। वहीं 1,00,000 पशुपालकों का पशुधन बीमा किया गया। इसके अलावा बताया उन्होंने कि प्रधानमंत्री के निर्णय पर विदेशों से आयात होने वाले पॉम ऑयल पर रोक लगाई गई है जिसके चलते हरियाणा में सरसों की खरीद 4,650 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। मंत्री जी ने दक्षिण हरियाणा के लिए उत्तर के किसानों से प्रार्थना की कि आप धान कम लगाएं, उनको 7,500 रुपए प्रति एकड़ देने का काम किया। और पूरे प्रदेश में जिसमें भिवानी के जो ज्यादातर ब्लॉक ऐसे हैं कहीं 85% कहीं 100% सब्सिडी दी है। इसका मकसद यही है कि पानी का अत्यधिक दोहन ना हो। और अब एक स्कीम और बनाई है कि अटल भूजल योजना, उससे पानी का उचित प्रबंधन होगा। और भिवानी जिले के अंदर हम स्कीम एक और बना रहे हैं, जितने भी रिचार्जिंग के ट्यूबवेल हैं, जो वेंडेड ट्यूबवेल हैं, जब हमारे पास नहरों का पानी पर्याप्त होता है बारिश के मौसम में, उनमें पानी डलवाएंगे ताकि हमारा भूजल ऊपर आ जाए।